हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। ये एक साहब का सवाल है कि हमारे महल्ले में किसी नए ऑफिस का इफ्तिताह हुआ तो उन्होंने मुझे उस दिन सूरह बकरा पढ़ने के लिए बुलाया। जब मैंने सूरह पढ़ लिया तो उन्होंने 200 रुपये दिए। मैंने उनसे पूछा कि ये कुरान शरीफ के एवज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारी तरफ से तोहफा है, क्या ये रकम हलाल है? जवाब इनायत फरमाए। जब पढ़ने वाले ने तिलावत कुरान पर उजरत लेने की नीयत से नहीं पढ़ा और पढ़वाने वाले ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारी तरफ से तोहफा है तो ये लेना देना जायज है, और बेहतर यही है कि पढ़ने वाला पहले से कह दे कि मैं कुरान पढ़ने पर कोई उजरत नहीं लूंगा, और पढ़वाने वाला भी इस बात का इजहार कर दे कि मैं उजरत पर नहीं पढ़वा रहा हूं। उसके बाद में अगर कोई अपनी खुशी से अगर कुछ कुरान पढ़ने के बाद में अपनी तरफ से नजराना पेश कर देता है तो ये लेना देना जायज होगा। अल्लाह ताला आलम।